जा रहा है ब्रश करने, करेगा ब्रश? खाना नहीं होता है, ब्रश करो। ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। करो ऐसे, नहीं सही से कीड़े निकालो। कह रहे हो निशल, तुम क्या कह रहे हो? बिस्कुट, डॉगी को बिस्कुट खिलाना है। डॉगी बिस्कुट खाना, जाओ जाओ बिस्कुट लेके आओ, जाओ जाओ। कहाँ रखा है बिस्कुट? लेगा डॉगी का हाँ, डॉगी का बिस्कुट उठा लो। हाँ ठीक है, चलो अभी लाते हैं। ये खानिया क्या होता है पापा? ये खानिया क्या होता है? नहीं खानिया, चलो खाना खाओ चल के। ये तुम्हारा नया वर्ड कौन सा लॉन्च करा है? नहीं खानिया है, उठो। नहीं ये लो, उठो उठो उठो। निशल आप रोज यहाँ पे कार खेलते हो, इसीलिए आपकी कार गिर जाती है, फिर पापा को जाना पड़ता है उठाने। ठीक है ओके, ठीक है ओके, से काम थोड़ी ना चलेगा। मतलब कि है कि तुम वहाँ से मत करो ऐसे यहाँ। हाँ है, ये एरोप्लेन है सचमुच में है, देखो ये देखा 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 वो देखा, एरोप्लेन जा रहा है, बाय बाय एरोप्लेन। निशल को आवाज से पता चल जाता है एरोप्लेन है, निशल आ जाते हैं। हाँ दिखा, निशल फोन देखते देखते सो गया, फोन के ऊपर ही मुंह रखा हुआ है, ये सो रहा है। ओ शांति से बैठता तो उसको नींद आ जाती है। निशल देख रहे होंगे ना, तैयार व्यार थोड़ा सा हो गई हूँ, थोड़ा फेस सही कर लिया है, सही क्या कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही नॉर्मल जो करती हूँ वही करा है। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ रील्स बनाऊँगी इंस्टा के लिए, तो आप सबको बता दो कि अगर आपको मेरी इंस्टा आई डी नहीं पता है तो मेरी इंस्टा आई डी है @rastogisukriti, और मैंने ड्रिंक लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उनकी आई डी का लिंक भी पड़ा हुआ है और निशल की आईडी का भी एड्रेस पड़ा हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ से हमारा डेली अपडेट्स देख सकते हैं कि हम जो वहाँ पे जो रील्स डालते हैं और जो भी एक्टिविटी हमारी रहती है तो वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं। तो अभी मैं जा रही रील्स बनाने, और अभी मैं क्या कहते हैं घर के सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ, खाना वाना हमारा हो चुका है, और अभी थोड़ी देर में हम लोग आम आम कट करेंगे खाएंगे। अभी निशल थोड़ी देर कुछ सोच गया था ऐसे ही खेलते खेलते, तो अभी वो जगता है तो फिर उसको भी कुछ आम आम काट के खिला दूँगी और वो खाएगा। एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा कुछ भी खाना पसंद नहीं करता है, मतलब बहुत रेयर कोई चीज़ खा ले तो खा ले, वो भी एक से दो बार, इससे मतलब ज़्यादा वो चीज़ कोई भी मतलब चीज़ टेस्ट नहीं करता है। तो अगर आप लोग के पास कुछ भी इस तरह का मतलब सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल खाना नहीं चाहता है, फिर मुझे बुरा लगता है कि मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। तो प्लीज़ अगर कुछ भी आप अगर आपको पता हो कि किस तरह से बच्चों को खाना खिलाना सिखाना चाहिए तो बताइएगा। हालांकि मैं अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करके इसको दिखाती हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ, उसको अट्रैक्टिव फूड दिखाती हूँ, पर इसे कुछ नहीं खाना होता, नहीं 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 खाना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ रील बनाने, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये देख रहे हैं बैठे हैं, कोई कंटेंट ही नहीं देते हैं। इनको बहुत शिकायत थी कि मेरे पास कंटेंट नहीं होता ये वो, तो मैंने यहाँ का आज बहुत बढ़िया, मैंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। मेरा कंटेंट है, मेरा मैंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है, मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ लिया है, और भी बहुत सारे काम किए हैं आज के, आज ही कर डाले निपटा डाले, मेरे बहुत दिनों से पेंडिंग थे ये काम, उन्होंने कर निपटा देते हैं हम, दाढ़ी तक तो बना नहीं पाए इतने काम में, तो काम में बिजी थे तो इसलिए ये सब भी नहीं हो पाया, शेप भी नहीं हो रही है, बाल तो खैर कटने से रहेंगे, बस फालतू दिल की बात हो गई। अब ढंग की बात करो कुछ। अब ढंग की बात ये है कि मेरे पास ना कोरोना का इलाज है ना मंगल ग्रह पे पानी मिला है,
बात ये है कि मंगल ग्रह पे जाना ही क्यों है हमें, तो ये अपने जो अर्थ है इसी को अच्छा करना है, इसलिए मैं मंगल ग्रह तक गया नहीं अभी तक। और कोरोना का इलाज कैसे है कि यार इलाज होता है जिसमें बीमारी हो, ठीक है, और ये मेरे हिसाब से कोई बीमारी नहीं है। कोरोना क्या है कि एक्चुअल में आपको क्या है अपने अंदर आने ही नहीं देना है, या अगर आ जाए तो इम्यूनिटी अच्छी करके रखनी है, फिर उसका उसका कोई वो ही नहीं करना है, मतलब इलाज की कोई जरूरत नहीं है, वही होता क्या है इलाज की कोई जरूरत नहीं है, टोटल फालतू का ज्ञान फैल ले, कुछ ऐसे ही सब बोलना है, कुछ भी बोलना है। और बताओ बाल कटवा लो? नहीं, इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग में आपसे कहा था ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरे से बाल कट करवाए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, काफी लोग कमेंट भी करे, तो मैं चाह रही हूँ उस प्लान को एग्जीक्यूट करा जाए, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके बाल की कटिंग करती हूँ मैं, दिखाऊंगी कितने सुंदर सुशील वाले बच्चा बना के आपको छोड़ूंगी, है ना, करवाना है बाल कट? नो, करवाना, इस बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है, चर्चे में लोगों ने कमेंट करके बोला है कि हाँ करवाने चाहिए, जरूर करवाने चाहिए। जो लोगों ने कहा है ना वो लोग एक्चुअल में उनको पता नहीं तुम्हारे हाथों की कलाकारियाँ, मेरा हाथ बहुत सही चलता है, ये तो आपको पता है, बनाते हैं बाल काटने के बहाने में, गर्दन ना काट देना तुम, अस्तूरा थोड़े लेके बैठेंगे, ट्रिमर लेके बैठेंगे, ट्रिमर से गर्दन कटने नहीं है, तुम तो वो भी काट सकती हो ना बस कुछ भी बोलने का दूर, वो एक देखिए हमारा बच्चा है ना, वो आराम से अपने आप अकेले खेल रहा है, उसे कोई दुनिया को मतलब नहीं, मेरा डेटा तो दिन भर का वही फूंक लेता है वो आराम से, तो कल वही अपना देख रहा है, पहले ये फोन वोन नहीं देखता था, पता नहीं अब कुछ समय से ये फोन देखने लगा है, क्योंकि है क्या ना हम उसे बाहर ले जाते नहीं, पूरे दिन बोर होता है, तो उसको लगता है कि यार हमें भी ये करना चाहिए, बड़े लोग एक चीज कर रहे हैं, और इस समय ऐसी सिचुएशन है कि मैंने इसको पूरे 2 साल तक तो फोन दिखाया नहीं ज्यादा, तो इसको आदत नहीं थी, पर अब ये थोड़ा सा फोन के पीछे भाग रहा है, सीन ये है कि हम इसे कुछ किसी और चीज़ में कितनी देर इंगेज रखें, क्योंकि ये फिर बोर रहता है, इसको हर रोज नया कुछ चाहिए, हम कहाँ से कुछ नया ला कर दें। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से, दिखा दो आपको कि अंदर ये लोग खेल रहे हैं घर घर, नहीं कैप्चर करे, बुम 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 बुम, पापा के साथ घर घर खेला जा रहा है।